दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS अंग्रेजी T10 मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा यूनाइटेड वर्सेस कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रिसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे जो है क्लीन स्वीप भी करा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो विकेट कीपर में सबसे पहले आपके पास अश्विन का ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर तो इनका काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ एक चीज़ होती है दोस्तों, ये आपको बॉलिंग करवा के दे सकते हैं, लेकिन बॉलिंग से दो ओवर डाले वो कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए मैं इनको अभी अपनी टीम से ड्रॉप करके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास रविंद्र का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मिनट में 39 इन्होंने करे थे, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 25 इन्होंने करे, 21 रन करे और 26 रन इन्होंने करे, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। दोस्तों वहीं अगर बैटिंग में बात करें, जे मुरैल का ऑप्शन होने वाला है। मुरैल आपको बैटिंग तो काफ़ी नीचे करके देते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये आपको बॉलिंग करवा के दे सकते, तो इसलिए आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। दोस्तों वहीं अगर हम यहाँ से बात करें किसी और के बारे में, एस मधु का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर के बारे में, दोस्तों बैटिंग ऑर्डर जो एस मधु का रहने वाला है वो तकरीबन आपको नंबर 4 के आसपास नज़र आ सकता है दोस्तों, तो आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। रिसेंट में फॉर्म एवरेज ही रही है इनकी। वहीं मुरैल की बात करें तो बैटिंग से फॉर्म इनकी अच्छी रही है, बॉलिंग ये पहले करवा रहे थे लेकिन अब मुझे लगता नहीं करवाएंगे, तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग आप छोड़ ही देना, बैटिंग के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, एस मेहता का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब मेहता भी आपको तकरीबन नंबर 6-7 पर नज़र आएंगे खेलते हुए, बट यार मेहता आपको दो ओवर बॉलिंग करवा के दे सकते हैं, लास्ट मैच में जरूर इन्होंने बॉलिंग करी थी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बट हर मैच में डाले वो भी एक पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप यहाँ से बैटिंग से जिनको रख सकते हो, सोबान एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, ये आपको इस मैच में ओपन करते हुए नजर आने वाले। रिसेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एवरेज परफॉर्मेंस रही है, लेकिन यार ओपन करेंगे तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाते, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। यू मोहम्मद आपके लिए एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, 1 डाउन नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। लास्ट मिनट में 24 रन इन्होंने करे दोस्तों, उससे पहले अगर मैं बात करूँ अच्छा परफॉर्मेंस आया, एक मैच में 37 रन भी इन्होंने करे थे, उस बीच जरूर छोटी छोटी यहाँ पे जो है पारी खेली थी और आउट भी हो गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस कर सकते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। के अहमद आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग बॉलिंग आपको करके देंगे, नंबर 3 बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 1 रन पे आउट हो गए लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट निकाले, बैटिंग बॉलिंग करेंगे इसलिए प्लस पॉइंट है, आप इनको रख सकते हो। 3 हमारे यहाँ से जो है बैट्समैन रहने वाले हैं, आप देख सकते हो। वही दोस्तों अगर ऑलराउंडर में बात करें तो दारू रेड्डी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा एक तो ओपन करेगा प्लस 2 ओवर ही आपको बॉलिंग से करवा के देगा, और भाई रीसेंट की फॉर्म इनकी गजब की रही है, लास्ट रन में भी इन्होंने 33 रन इन्होंने करे थे
और अगर मैं बात करूँ बॉलिंग से तो एक विकेट निकाले, उससे पहले भी इन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करा है। 4-5 मैचेस में ही जो है रिसेंट के 200 से ज़्यादा रन इन्होंने करे थे। इंपॉर्टेंट हो जाते इनको हम रख सकते हैं। MDS का इतना कुछ खास रहा नहीं दोस्तों, रसी खेलेंगे तो आप रख सकते हो, बैटिंग बॉलिंग आपको करके देने वाले। त्यागी के बारे में अगर मैं बात करूं चाहो तो आप इनको रख सकते हो। त्यागी का बैटिंग ऑर्डर तो आपको नीचे देखने को मिलने वाला है, बॉलिंग त्यागी आपको करवाते हुए नजर आने वाले, और बॉलिंग कब करवाते वो मैं आपको बता देता हूं। बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, त्यागी के बारे में तकरीबन आपको जो है ओपन में ही बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हो या फिर रख ही सकते हो। बुरान आपके पास एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 0 रन पे आउट हो गए दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए 0 वाला प्लेयर ही हीरो बनता है, तो इस बंदे को जरूर रखिएगा। मैं फिलहाल इनको थोड़ा सा अभी के लिए तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है टॉस के बाद रख लूँ इनको, तो वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। एस कुमार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, प्लस ये बंदा बॉलिंग करके देता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो बंदा बैटिंग बॉलिंग कर रहा है उनको तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो कैसे ना कैसे आपको पॉइंट देके ही चला जाएगा। एस भट्ट के बारे में बात करें दोस्तों, मिडिल ओवर्स में और डेथ में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप जरूर रखिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। एच उल्ला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये बंदा बैटिंग बॉलिंग करके देता है, नंबर 5 में बंदा बैटिंग करता है प्लस बॉलिंग करेगा, तो जैसा मैंने आपको बोला कि बैटिंग बॉलिंग जो कर रहा है उनको आप जरूर रखिए, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। 4 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में बात करें, ए माथुर आपको ओपन में बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं माथुर के बारे में बात करूं, इन्होंने 1 विकेट निकाला था दोस्तों, उससे पहले एक मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे और वैसे 0 विकेट भी निकाले। लास्ट 3 मैचेस अगर मैं बात करूं तो 3 ही विकेट निकाले, बट ओपन में बॉलिंग करवाएंगे तो निकाल सकते हैं। जी अब्बास एक और आपके पास विकेट टेकर बॉलर आप बोल सकते हो, डेथ में भी बॉलिंग करवाने आ सकते हैं दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूं, 1 विकेट निकाला, उससे पहले 1 विकेट निकाला, लास्ट 5 मैचेस में टोटल 3 विकेट निकाले, लेकिन मैं इनको लेके चल रहा हूं। बाकी अगर बॉलिंग से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको आप रख सकते हो, यहां पे कोई इतना खास ऑप्शन है नहीं, ए जैकॉब का ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। जैकॉब के बारे में बात करें चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन आपको ये दे देते हैं, खासकर पहले बॉलिंग करते तो जरूर, क्योंकि 1 ओवर मिडिल ओवर्स में डालेंगे और 1 ओवर डेथ में डालेंगे, तो पहले अगर इनकी टीम बॉलिंग करती है मैं इनको जरूर लेके चलूंगा, अगर इनकी टीम बैटिंग करेगी तो मैं आपको अपडेट करके टीम टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। 3 हमारे बॉलर रहने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, रेडी मेरे कैप्टन रहेंगे और यहाँ से एस कुमार वाइस कैप्टन फिलहाल रहने वाले हैं। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैब 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैब 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पर क्लिक करिए और माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।